सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, मम्मी मेरी लगा रही है बालों में रियल एलोवेरा, जो होता है ना प्लांट वाला एलोवेरा, वो, और साथ में था नींबू। मेरे बालों में इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा था कि मुझे खुद नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है। तो एलोवेरा से बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, तो बस मम्मी लगा रही थी क्योंकि मुझे लेना था इसके बाद शावर, तो इसलिए मैंने लगा लिया था। और लगाने के बाद एक घंटे तक मैंने रखा था, उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। बाल इतना ज़्यादा शाइनी हो गए थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ मम्मी निकाल रही है मोमोज जो हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट में कुछ खाए नहीं थे, जस्ट रोज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए। तो हमने सोचा चलो घर लेके चलते हैं। मोमोज है, फ्राई मोमोज है और स्प्रिंग रोल है। बोलते बोलते मुँह में पानी आने लग रहा है क्योंकि मॉर्निंग का ही खाना खाए हुए, भूख लगा है एकदम। तो चलिए दिखाते हैं बैक कैमरे से। सो गाइस, आज खाना नहीं पकने वाला है, यही खा कर रहने वाले हैं हम लोग। नहीं, खाना बनेगा, खाना भी बनेगा लेकिन लेट बनेगा। और मम्मी कह रही है खाना नहीं बनेगा, यही खा के हम लोग रहेंगे आज। उछाल नहीं रह सकते हैं ये सब खा के, हम लोग तो रह भी सकते हैं, हम मम्मी रह सकते हैं। चलिए हम लोग सब खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं और बाद में मिलते हैं। अरे ऐसे चलाते हैं क्योंकि तुम मम्मी को चाहिए ठंडा एकदम चिर, और मम्मी को ये ठंडा पानी लाने। मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, एकदम मेरे भाई जैसा वो होते जा रही है, ठंडी का कीड़ा। एकदम मेरे भाई भी है ना, एकदम उसको ऐसी एकदम 18 पे चाहिए, एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। वैसे ही मम्मी को भी आदत लग गया, एकदम ठंडा चिल्ड ऐसे में रहना, ठंडा पानी पीना। अब मैं कुछ थोड़ा सा जुकाम जैसा हो गया है, तो मेरे लिए सादा पानी आया है। चलिए मिलते हैं खा पी कर। मिल चुका है मेरा चाय। सो गाइज, ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है और आज मेरा था ट्रेन, क्योंकि मैं जा रही थी रिटर्न आगरा, मतलब आ रही थी रिटर्न आगरा। और ये सब ब्लॉग मैं यहाँ आकर ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे थी ना, तो मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। मैं एकदम मस्त आराम से सोई रहती थी। मैंने सूट तो कर लिया था ब्लॉग, बट अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैं फटाफट यहाँ ब्रश करके रेडी हो रही थी। मम्मी छत पे कपड़ा डालने आई थी, मम्मी ने नहा धो लिया था और अब मेरी बारी थी सारा पैकिंग करने का, नहाने धोने का। तो मैं ब्रश करके फटाफट नहाती हूँ। यहाँ पे मुझे ले आना था यहाँ से एलोवेरा, क्योंकि मुझे आगरा में लगाना था पौधे में, गमले में। और मेरा पर्स रेडी है, मेरा बैग रेडी है। और मैं ट्रैवल कर रही थी इस बार फर्स्ट टाइम अकेले, क्योंकि विशाल के पास टाइम नहीं था कि वो मुझे रिसीव करने आते हैं, क्योंकि ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रहा था। क्योंकि फिर हम लोग को अगर हो सके छुट्टी मिल जाए तो दीपावली में भी आना है घर, इसलिए। और ये होता है जो बेटियां मायके से विदा होती हैं या फिर भगवान जो भी है विदा होती हैं, तो मम्मी लोग देती हैं ये खोइछा, यही मुझे मिल रहा था। ये दुपट्टा मैं ले रही थी और फिर 5 बार इसमें से मम्मी निकालती भी है, पता नहीं क्यों निकाला जाता है, मुझे नहीं नॉलेज है इस चीज़ का, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि क्यों निकाला जाता है। फिर फटाफट हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मैं और मम्मी टोटो से थे और पापा बाइक से थे, स्कूटी से। फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ स्टेशन, और स्टेशन पर भी ट्रेन आने में बहुत ज़्यादा टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम था। जस्ट बिकॉज़ कि ट्रेन तो राइट टाइम ऐसे दिखा रही थी, V4 ही दिखा रही थी, बट जैसे हम लोग स्टेशन आए से ट्रेन धीरे धीरे लेट होने लगी थी। बट फाइनली आधे घंटे के वेट के बाद हम लोग की ट्रेन आ चुकी थी। और हम लोग ने यहाँ पे अपना अरेंजमेंट भी कर लिया था, बैठ भी गया था, मेरा अपर सीट था। बट अभी जब तक मैं सोची थी कि जब तक नीचे वाला नहीं आएगा बंदा, तब तक मैं नीचे ही बैठूंगी। और सच में ये ट्रेन पूरे आगरा तक खाली ही गई, मतलब कि नीचे बर्थ वाला कोई आया नहीं। और ये ट्रेन हमारी खुल चुकी है, से टाइम टू बाय DDU। और सो अब मैं इसके बाद अपना जो मैं मम्मी दी थी नाश्ते में पूड़ी भुजिया, वो फिनिश करती हूँ, क्योंकि पहुँच चुका है इलाहाबाद और कंटिन्यूसली 3 आवर्स हो गए थे DDU से चले हुए ट्रेन को, मुझे लग चुकी थी भूख। तो मैंने यहाँ पर फिनिश किया अपना जो मम्मी बनाकर घर से नाश्ता दी थी वो, और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सोकर जब उठती हूँ तो पहुँच चुकी थी मैं कानपुर, और कानपुर पहुंची तो मुझे चाय की क्रेविंग होने लगी। तो मैंने चाय वाले भैया से पूछा कि चाय गर्म है, तो बोला हाँ मैम, मैंने भी जस्ट बना कर ही लाया। मैं बोली गर्म नहीं रहेगा तो मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली चाय बहुत ज़्यादा गर्म पसंद है, मतलब कि एकदम जैसे निकला और मुझे चाहिए ठंडी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने ये पिया, उसके 1-2 घंटे बाद मुझे भूख सी लग गई, मानो कि 5:30 बजे के करीब मुझे भूख सी लगी। तो मैंने यहाँ पर लिया समोसा, और समोसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बहुत ही गंदे थे, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो बस टाइम था टुंडला उतरने का, क्योंकि मेरा ट्रेन टुंडला तक ही था,
और विशाल मुझे रिसीव करने आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा पहले ही बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि ना जब जस्ट एसी से निकलो आप और बाहर आओ खड़े हो तो ना अजीब सी होने लगती है, तो इसलिए मैं सोची थोड़ा पहले ही निकल जाती हूँ कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, उसे तबीयत ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो बस मैं वेट कर रही थी, और ये ना दरवाज़ा खुला था तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और विशाल पीछे ही रह जाते हैं, और ट्रेन थोड़ी सी आगे आ जाती है, बट वो दौड़ कर आते हैं मुझे लेने, क्योंकि हाँ देखिए तब तक ये आ चुके थे, और ये मेरा ट्रॉली उतारते हैं। और बस मैं कैमरा ऑन इसलिए रखी थी कि मैं रिएक्शन को रिकॉर्ड करना चाहती थी, और देखिए ये क्या बोलते हैं। सो गाइस आ चुकी हूँ मैं अपने घर, और घर का हालत एकदम गंदा था, इतना ज़्यादा कचरा मचा कर रखे थे, मानो कि 10 या 12 13 दिन मैं रही हूँ, हाँ 13 दिन से घर में झाड़ू भी नहीं लगा था, इंसान बस खाना बनाते थे और खाते थे और ऑफिस जाते थे। मैंने बोला कि झाड़ू वाड़ू क्यों नहीं लगाया यार आपने, तो कहते हैं कि झाड़ू वाड़ू का टाइम नहीं था मेरे पास, मैं बनाकर खा लेता था वही बड़ी बात थी। तो मुझे भी लगा कि हाँ अगर आप बनाकर इतने कम टाइम में खा लेते हैं वही बड़ी बात थी, और झाड़ू पोछा का तो मैं कहीं भी नहीं थी, और मतलब कि मुझे शॉक टाइप का लग गया था कि यार क्या हाल बनाए हुए हैं। तो मैंने आते ही सबसे पहले अपना दोनों रूम साफ़ किया, बेडशीट हटाया, झाड़ू एटलीस्ट झाड़ू लगाया था, बस साफ का मतलब बस झाड़ू लगाया था, बेडशीट हटाया था, बेडशीट चेंज किया था, टॉवल सारा वॉशिंग मशीन में डाली थी, क्योंकि मुझे ना एकदम सब में घिन सी आ रही थी। फिर मैं बनाती हूँ डिनर, फिर देन मैं डिनर हम लोग करते हैं, उसके बाद मैं ऐसा सोई मानो कि बेहोश सा हो गई थी, क्योंकि दिन भर का ट्रैवलिंग था। फिर उसके बाद विशाल सब्जी बना कर रखे थे, मॉर्निंग में विशाल जब अपना खाना कंप्लीट कर बना रहे थे तो उन्होंने रात के लिए भी सब्जी बना लिया था एक्स्ट्रा आलू मटर की, इससे मुझे सहूलियत मिली थी, बस मैं दाल चावल बनाई थी। तो बस यही था, अब मिलते हैं आपसे डेली प्रॉपर ब्लॉग के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।